हेलो एवरीवन, मैं हूँ पीजे और आप देख रहे हैं पीजे एक्सप्लेन। ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्या कर क्या रहा हूँ मैं? एक चाइल्डहुड फेवरेट टीवी कार्टून को मैं एक सुपर हीरो से लड़ा रहा हूँ। लेकिन बचपन में टॉम हमारे लिए किसी सुपर हीरो से कम नहीं था। फिर भी दिमाग में चुल मस्ती रहती है, बस सोचा नहीं बना दिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं कि अगर टॉम वर्सेस स्पाइडरमैन में खुदा ना खास्ता कभी फाइट हुई तो कौन लास्ट तक स्टैंड कर पाएगा। टॉम को कम मत समझना, उसके पास भी बहुत सी पावर्स हैं, वो फालतू बस डिस्प्ले नहीं करता। जब उसे काम पड़ती है तब उसकी पावर्स सामने आती हैं। तो सबसे पहले टॉम ही से शुरू करते हैं। टॉम जिसका असली नाम थॉमस द कैट है, कॉमिक में उसे कई और नाम से भी बुलाया गया है, जैसे कि टॉमी, टॉम बॉय, लिटिल टी और जैस्पर। इस कैरेक्टर के क्रिएटर्स हैं विलियम हैना और जोसेफ बारबेरा। इसकी ठरक से पता चल ही गया है कि एक मेल कैट है। टॉम को सबसे पहले आवर गैंग कॉमिक इशू नंबर 1 में देखा गया था और टॉम ने अपना पहला एनिमेशन डेब्यू फरवरी 10, 1940 को पुश गेट द बूट्स नाम के एपिसोड से किया, जिसमें उसका ओरिजिनल नाम जैस्पर ही था। लेकिन फिर बाद में 19 जुलाई 1941 में मिडनाइट स्नैक में उसे टॉम कैट के नाम से बुलाया जाने लगा और तब से ये हमारा फेवरेट कार्टून कैरेक्टर है। अब ये सारी बात तो उसकी हिस्ट्री की हो गई, अब आते हैं टॉम की पावर्स और एबिलिटीज पे। टॉम के पास मायावी शक्तियां हैं, जैसे कि एजिलिटी, मतलब कि वो कोई भी एक्शन तुरंत और रैपिडली कर सकता है, वो भी बिना किसी दिक्कत के। रीड रिचर्ड्स की तरह अपनी बॉडी में इलास्टिसिटी भी पैदा कर सकता है, अपनी बॉडी को छोटी सी छोटी जगह में भी एडजस्ट करके आराम से रह सकता है। उसके पास बहुत ही बेहतरीन हीलिंग फैक्टर भी है, कई बार तो वो सिर्फ अपनी बॉडी की राख से ही अपने आप को फिर से रीजनरेट कर चुका है। उसकी ये इमेंस इंड्योरेंस एपिसोड दर एपिसोड कई कई बार चेंज होती भी दिखाई गई हैं, जैसे कि अगर ट्रेन से भी टक्कर हो जाए तो वो बच चुका है, गोलियों और बॉम्ब के एक्सप्लोजन से भी इम्यून है, मतलब कि तकलीफ पहुंचती है लेकिन फिर इजीली भी ठीक हो चुका होता है। शार्प ऑब्जेक्ट्स के थ्रू अपने आप को कट भी कर चुका है, कई बार अपनी बॉडी को हाफ में कट करने के बाद भी तुरंत आराम से चलने लगा है। फायर और इलेक्ट्रिसिटी से भी इम्यून है, इम्यून का मतलब ये नहीं कि उसे दर्द नहीं होती। टॉम को हर एक अटैक का पेन होता है लेकिन ज्यादा लंबे समय के लिए नहीं, वो तुरंत ठीक भी हो जाता है। उसके पास लॉन्जिविटी के साथ साथ स्टैमिना, स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड के साथ साथ हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी माहिर है। लेकिन इन सब बवाल के बावजूद उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि मैंने बताया कि उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। किसी किसी एपिसोड में उसे परमानेंटली डैमेज भी दिखाया गया है, उसे ठीक होने के लिए बैंडेजेस पट्टियां भी बांधी हुई दिखाई गई हैं। लेकिन ये सारी बातें हमें एपिसोड दर एपिसोड चेंज होती दिखी हैं। बट ही स्टिल एज पावरफुल एज वी एक्सपेक्ट। इन सारी खूबियों के बावजूद क्या टॉम स्पाइडरमैन के साथ फाइट में स्टैंड कर सकता है? अब स्पाइडरमैन को कौन नहीं जानता, बचपन से देखते आ रहे हैं कि उसे एक रेडियोएक्टिव स्पाइडर ने काट लिया, फिर जाके उसको ये सारी पावर्स मिली। पावर्स मिलने के साथ साथ उसने अपनी पावर्स अपने फायदे के लिए भी यूज करनी चाहिए, लेकिन उसके पहले ही गलती के कारण उसके अंकल बेन को अपनी जान गंवानी पड़ी। स्पाइडरमैन के क्रिएटर स्टैनली और स्टीव डिटको हैं। स्पाइडी की फर्स्ट अपीयरेंस कॉमिक अगस्त 1962 में आई थी, द अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 15 में, और स्पाइडी ने अपना पहला एनिमेशन डेब्यू 9 सितंबर 1967 में किया था। अगर स्पाइडी की पावर्स की बात करें तो स्पाइडी की पावर्स हैं, जैसे कि स्पाइडी एक जीनियस लेवल का इंटेलेक्ट होने के साथ साथ एक एक्सपीरियंस साइंटिस्ट और इन्वेंटर भी है। एक ऐसा साइंटिस्ट जिसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, स्टैमिना, रिफ्लेक्सेस, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस एंड एंड्योरेंस भी है। और अभी भी बातें खत्म नहीं हुई हैं, स्पाइडी के पास स्पाइडी सेंसेस भी है। इसके अतिरिक्त स्पाइडी अपने साथ कुछ गैजेट्स भी यूज करता है जिसकी वजह से वो अपने अपोनेंट से लड़ सके, जैसे कि वेब शूटर्स और पावर सूट। टॉम के लिए बहुत ही टफ फाइट होगी, लेकिन अगर स्पाइडी के पास सुपर हीरो सूट है तो क्या हमारे टॉम के पास नहीं है? कई कई एपिसोड्स में दिखाया भी गया है कि टॉम को सुपर पावर्स वाला सूट मिला है। वो सारी पावर्स सूट्स या रिंग्स ही मिली हों, लेकिन टॉम को पावर्स मिल चुकी हैं जिससे वो स्पाइडी को टक्कर दे सकता है। एक बात और गौर करने वाली है कि टॉम एक बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है स्पाइडी की तुलना में। टॉम को हम हमेशा एक कॉमेडिक प्लेफुल वे में देखते हैं, क्योंकि वो हमेशा जेरी, निबल्स और क्वैकर ना जाने किस किस को मार के खाना चाहता है, लेकिन वो कभी अपने काम में ज्यादातर सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, और उसका एंड भी बहुत ही कॉमेडिक वे में होता है। और फिर वहाँ आते हैं स्पाइडरमैन, जिन्हें अपने टीनेज में ही बहुत कुछ देख लिया है और भी कुछ उन्हें देखना बाकी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल आसानी से टॉम को हरा देंगे। टॉम को भी मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल जैसा लगता है। कई बार तो उसके टुकड़े होने के बावजूद भी टॉम फिर से रीजेनरेट होकर दोबारा से खड़ा हो चुका है। और यहाँ अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात कर रहे हैं तो काफी सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि पीटर यहाँ जीत जाएगा, क्योंकि पीटर के पास बहुत सारे चांसेस है कि टॉम से वो इस फाइट में जीतेगा। और जहाँ रही टॉम के दिमाग लगाने की बात, तो आई डोंट थिंक सो कि वो पीटर से भी आगे की सोच सकता है। और आपको क्या लगता है कि टॉम वर्सेस स्पाइडी की फाइट के बीच में कौन जीतेगा?
और क्यों? कमेंट्स में अपने ओपिनियन जाहिर करिए और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए इस वीडियो को। इस चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।